4.5 में हमें प्रूव करना है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर. आप जानते हो कि इंटीजर में 1, 2, 3, 4 माइनस 1, 2 माइनस सारे आते हैं, कोई भी डेसिमल वगैरह नहीं आता. और अगर हमारे पास पहले सेट ए हुआ करता तो आप ए क्रॉस ए करते थे, अब हमारे पास क्या है जेड. तो यानी हमें रिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जेड क्रॉस जेड. बेटा जेड तो बहुत बड़ा सेट होता है, जेड के अंदर क्या क्या होता है आपके पास, 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2 और जेड का क्रॉस जेड के ही साथ अगर आप करोगे बहुत ही बड़ा हो जाएगा. लेकिन आपको पता है कि रिलेशन जो है वो सबसेट तो होता है जेड क्रॉस जेड का, तो सबसेट के लिए ये कंडीशन भी तो फिलफुल होनी चाहिए. उतने ही तो एलिमेंट लेंगे हम भाई, जो ऑर्डर्ड पेयर इसको वेरीफाई कर दें वही तो रिलेशन के अंदर आएंगे. तो यहाँ क्या है कि भाई ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है आपके पास वो ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं से ए में से बी सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 2 से डिवाइड हो. जैसे मैंने लिखा बेटा यहां से 2, 4 तो क्या ये रिलेशन के अंदर आएगा, चेक करो. ये ए है, ये बी है, ए माइनस बी तो 2 माइनस 4 तो 2 माइनस 4 में कितना आ गया -2 तो 2 से डिवाइड हो रहा यानी आएगा, समझ गया नहीं बात. उसके बाद क्या आएगा यहाँ से 2, 2 भाई 2 माइनस 2 0 तो 0 से सबसे डिवाइड होता है, ये भी आएगा. और बताओ उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पर 4 माइनस 2 जब आप करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा. मैं कह रहा ऐसे अनलिमिटेड एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, बहुत एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, नहीं आएंगे ऐसे. चलो जी उसके बाद आता है यहाँ पर 4, 6 भी आएगा, 2, 6 भी आएगा, नहीं आएंगे. तो इस तरीके के बहुत एलिमेंट जेड यहाँ पे रिलेशन के अंदर आने वाले हैं. अब मैंने ये एलिमेंट क्यों लिखे, इसकी एक वजह है. मैंने इस तरीके के एलिमेंट लिखे, आएंगे तो बहुत सारे, लेकिन मैंने इसलिए लिखे क्योंकि मैं यहाँ पहली कंडीशन चेक करना चाहता हूँ, रिफ्लेक्सिव. तो बेटा रिफ्लेक्सिव के लिए कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड एक एलिमेंट ले लिया मैंने. सपोज कर मैंने एक एलिमेंट ले लिया, लेट 2 बिलोंग्स टू जेड, वहां सेट में बिलोंग करता था लेकिन यहाँ सेट का काम कौन कर रहा है, जेड. अगर एक एलिमेंट 2 है जेड में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि 2, 2 रिलेशन के अंदर बिलोंग करे. तो क्या 2, 2 रिलेशन के अंदर है, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव. ये था ना, याद आ रहा कुछ कुछ. उसके बाद आप सेकंड लिखे, रिफ्लेक्सिव के बाद क्या था बेटा, सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक के अंदर मैंने 2 एलिमेंट लिए थे आपके, मैंने यहाँ 2 एलिमेंट ले लिए, लेट 2, 4 बिलोंग्स टू जेड. अगर ऐसा है तो क्या क्या होना चाहिए था, 2, 4 भी आर के अंदर होना चाहिए और 4, 2 भी आर के अंदर होना चाहिए. क्या है इसका मतलब, क्या हुआ, सिमेट्रिक. एग्जाम्पल इसने किसी और तरीके से करा रखा, लेकिन आप इजी भाषा में आप समझे यहाँ से. उसके बाद क्या लिखेंगे आप थर्ड यहाँ पर, ट्रांजिटिव. तो बेटा ट्रांजिटिव के अंदर आपने लेट कर लिया 2, 4, 6 बिलोंग्स टू जेड. अगर ऐसा है तो क्या क्या होना चाहिए, 2, 4 आर के अंदर होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए बेटा, 4, 6 आर के अंदर होना चाहिए. देन अगर 2, 6 A1, A2 belongs to R, A2, A3 belongs to R, then A1, A3 A3 A1 नहीं होता था, कल समझाई थी स्पेशल ये बात. तो क्या ये सारे के सारे R के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, जब हमारा रिलेशन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है, R is क्या था वो, इक्विवेलेंस रिलेशन. और यही बात हमें प्रूफ, ठीक है. ये हुआ बेटा समझाने का तरीका. अब आप इसको मैथमेटिकली लैंग्वेज में, जैसे एग्जांपल में दिया है, उसमें क्या कर लेंगे आप, लेट A1 बिलोंग्स टू जेड, एक एलिमेंट ले लिया, समझ रहे ना. अगर A1 आपने लिया तो A क्या करना चाहिए, R में बिलोंग करना चाहिए, समझ गए. आप इसको मैथमेटिकली भाषा में आप लिख सकते हैं एग्जांपल से, लेकिन समझने के लिए इससे बेस्ट नहीं मिलेगा आपको कुछ, ठीक है. आज के लिए समझ गए.